शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौरव, हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। चलो। चार घंटे हैं बस तुम दोनों के पास, अब जितना चाहो उतना गुतगु कर लो। इन दोनों को नशे का इंजेक्शन दे देते हैं, ये लोग भाग नहीं पाएंगे। बस अब थोड़ी देर में तुम दोनों के दिमाग के विचार सुनने हो जाएंगे, सारी सृष्टि तुम दोनों के लिए समाप्त हो जाएगी। वहां से निकलते हैं। तुम्हें क्या लगा एक बार फिर से हमें चकमा देकर भाग जाओगे? कोशिश करो फिर से। बॉम्ब लगा रखे हैं, आत्मा तक टुकड़ों में बिखर जाएगी। खेले में भर के भेजेंगे महेंद्र चौधरी को। नो, टाइम बॉम्ब लगाओ। चार घंटे का, और अगर चार घंटे में कॉल नहीं आया तो बूम, चीतड़े उड़ जाने चाहिए इनके। तुम घबराओ मत कहना, हम तुम्हें यहां से लेकर जाएंगे। हेलो महेंद्र चौधरी, तुम्हारी नौकरानी और तुम्हारा नौकर बना दमाद दोनों हमारे कब्जे में है। अब सिर्फ दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम पार्टी का टिकट वापस कर दो या फिर हम उन दोनों का टिकट काट दें। ये सोचने के लिए चार घंटे हैं तुम्हारे पास। नहीं नहीं, हमारी बेटी को कुछ मत करना, मतलब हमारे बेटे को कुछ मत करना, वो हमारा दामाद नहीं, हमारे बेटे जैसा है। हेलो हेलो, माँ पापा पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। उर्वशी दीदी को मैं पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ लेकिन वो कहीं भी नहीं है, और जब नौकरों से पूछा तो कह रहे हैं कि वो बहुत देर पहले घर से निकल गई है, और वो भी अपनी गन लेके। हे भगवान, अब क्या होगा? हम जानते हैं उर्वशी उस जंगल में गई होगी गौरव को छुड़ाने के लिए। हमारी बेटी को वापस लाइए, कुछ कीजिए। पहले ही गहना और गौरव उनके कब्जे में है, उर्वशी को वहां जाने की क्या जरूरत थी, कहीं वो भी उनके चंगुल में ना फंस जाए। बाबा एक समाचार है। समाचार वाचक बनना है का? नहीं बाबा। तो सुनाओ सीधे सीधे। जंगल के बाहर एक कार खड़ी मिली है, कार के आसपास कोई नहीं था। नंबर प्लेट से पता करवाए हैं तो पता चला है कि महेंद्र के बिटिया के नाम है कार। तो आ गई असली सोने की चिड़िया, जाओ शिकार को पकड़ के, चाहे जैसा भी हो ये शिकार ही आगे का शिकार करेगी। सब खत्म हो गया है कहना, कोई रास्ता नहीं है, हम चाहकर भी यहां से नहीं निकल पाएंगे। गौरव ऐसा मत सोचो, तुम्हें पता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो फिर एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वो है भगवान का रास्ता। हाँ गौरव, तुम चिंता मत करो, भगवान है हमारे साथ। हम तुम्हें लेने आए थे ना, हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे। हाँ गौरव। कैसे गहना, उम्मीद अच्छी चीज होती है लेकिन गौरव ये बेमतलब की उम्मीद है। हम बारूद के ढेर पर बैठे, अगर बड़े साहब ने टिकट वापस नहीं लिया ना तो हमारा मरना तय है। गौरव ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हम करते हैं कुछ कोशिश, हम करेंगे, निकल जाएंगे यहाँ। कुछ नहीं हो सकता कहना, कुछ नहीं हो सकता। हमें जो करना है वो अभी करना है। हमें जिंदगी पर यही लगता है कहना कि हम किसी भी काम को कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है कहना। सारी बातें हम सब अधूरे रह जाते हैं, लेकिन देखो आज हमें पता है कि हमारे पास कल नहीं है, हमारे पास आज भी पूरा नहीं है कहना।
नहीं कहना, आज हमें कहने दो, खत्म तो एक दिन सब कुछ होना है कहना, लेकिन मरने से पहले हम तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहते। तुम्हारे साथ जी तो नहीं पाए गए, लेकिन जिंदगी ने हमें तुम्हारे साथ मरने का मौका दिया, और हम तुम्हारी बाहों में मरना चाहते हैं कहना। इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए मरना पड़े इस बात का अफसोस नहीं है कहना, अफसोस इस बात का है कि हम तुम्हारे साथ जी नहीं पाए, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है कहना। बस इतना चाहते हैं कि तुम हमें माफ कर दो, जाने अनजाने में मजबूरी में हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है कहना। हम जानते हैं कहना, तुमने पूरी जिंदगी हमारे पीछे हमें समझाने में गुजार दी, लेकिन हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन जब जिंदगी ने आज हमें एक मौका दिया तो हम तुम्हारे लिए एक चीज करना चाहते हैं, हम तुम्हारा गौना करना चाहते हैं कहना। पूरी उम्र रीति रिवाज हम नहीं कर पाए वो आज कर लेते, पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे बन के नहीं रह पाए, लेकिन तुम बन के मर तो सकते हैं। जब आज मौत की सरहद इतनी करीब है तो हमारे बीच की सारी सरहदें मिट गई है कहना। तुम्हारे साथ बिताना चाहते थे, जब से हमने होश संभाला था ना गौरव, हमारा यही सपना था। हमने भी एक सपना देखा था गहना, लेकिन आज आज हम कोई सपना नहीं देखना चाहते, आज हम इस सपने को जीना चाहते हैं, जी भर कर देखना चाहते हैं कहना। तुम्हें अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं, तुम्हें इतना अपनाना चाहते हैं कि
अगर हम कल का सूरज भी ना देख पाए तो हमें इस बात का अफसोस नहीं होगी, हमने तुम्हें जी भर कर देखा नहीं। आज सब कुछ कहना है कहना, हर वो बात जो जिंदगी की आपाधापी में छूट गई, वो सब कहते हैं ना, कोई पर्दा मत रखना गहना, कोई राज मत रखना। तुम हमारी छोटी बेटी हो गौरव, हम भी तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। हाँ? वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है गौरव। ये लो। ये लगा दिया टाइम बॉम्ब, अब इसका टाइम शुरू और तुम दोनों का टाइम खत्म होना शुरू। अगर कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, क्योंकि अगर महेंद्र चौधरी ने हमारी बात नहीं मानी तो अगले 4 घंटे में तुम दोनों अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगे। और वैसे भी नौकरों के लिए कौन अपने विधायकी की टिकट छोड़ता है, दामाद तो कोई और बन जाएगा। गौरव, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, हम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे, लेकिन साथ में मर जरूर जाएंगे। आज हमारा गौना पूरा हो गया गौरव, हम तुम्हारी सुहागन बन गए गौरव। मरते मरते ही नहीं, लेकिन हमारा प्यार जीत गया गौरव। चलो कहना, इससे पहले कि हमारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, हम एक दूसरे को अपना बना लेते पूरी तरह। Oh,
बाबा चाय। बम फटा नहीं अभी तक? कोई बात नहीं, सूरज बाबू का अभी तक फोन नहीं आया। बोला था ये महेंद्र चौधरी मानने वालों में से नहीं है, तो हम भी कौन सा मानेंगे। निकाल उस प्रेमी जोड़े को बाहर। ए चल उठ गौरव, गौरव छोड़ो, छोड़ो गौरव। हाथ कैसे लगाया गहना को? गौरव हाथ कैसे लगाया गहना को? लेके चलो बाबा के पास। हम अक्सर महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आज अक्सर नहीं अवसर वाली बात है, और आज पहला अवसर है पुरुष का। लेकिन सम्मान का नहीं, बलिदान देने का। नहीं गहना, अगर ऐसा ही है तो सबसे पहले गोली हमें मारी। गहना हमारे सामने सेट हो गहना। नहीं गौरव, हमें अगर मरना ही है तो हम सुहागन बद के ही मरी। नहीं गहना, गौरव सामने से हट जाओ गहना। नहीं मारिए, सबसे पहले गोली हमें ही मारी है। गहना हमारे सामने से हटो गहना। नहीं गौरव। बढ़िया है, बलिदान के लिए भी दोनों कितने उतावले हैं। पहले मैं फिक्र मत करो, तुम दोनों का नंबर आएगा। बाबा वो बॉम्ब फटने वाला है, इन दोनों को कहीं और ले जाके मारते हैं, वरना इन दोनों के चक्कर में हम सब उड़ जाएंगे। बचना, वो बॉम्ब नकली है। सामने से हटो गहना। नहीं गौरव। वहां पे जाइए आप लोग, आप लोग वहां पे जाइए। देखो अपने अपने हथियार डाल लो, तुम लोगों को पुलिस ने घेर लिया है। वंश जी, ये
ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं घर पर छोड़ूंगा नहीं। कहना दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? नहीं, झूठ झूठ बोल रही हो तुम। ये देख रही हो तुम क्या? इसकी सिर्फ एक डोज दी है मैंने गौरव को, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरीके से मिटाने के लिए उसे 6 डोजेस और देनी है। और अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे वो 6 डोजेस ना दूं, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूँ। अब जो बोलेंगी वो करेंगे। गौरव की कसम खा और वादा करो इस अग्नि को साक्षी मानकर। आपको गौरव का अस्तित्व मिटाने से रोकने के लिए गौरव की जिंदगी से हम अपना अस्तित्व मिटा देंगे। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।